बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं, वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएल लाइव और मैं हूं चंदन। वार्ड संख्या 26 से शांति मिश्रा नामांकन के लिए निकल चुके हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, गोलू मिश्रा की मां हैं। शांति मिश्रा नामांकन के लिए पूरे मोहल्ले के जनसैलाब के साथ निकल चुकी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर लोगों ने इनका जोरदार तरीके से स्वागत किया और अब ये नामांकन स्थल के लिए शांति मिश्रा, जो कि बता दें कि गोलू मिश्रा हैं और इनकी माता श्री हैं, तो बिल्कुल ये तस्वीर आप देख सकते हैं शांति मिश्रा जो कि नामांकन के लिए निकल चुकी हैं और ये अपने इलाके का भ्रमण कर रही हैं और उसके बाद से नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। इनके पुत्र हैं यहाँ पे गोलू मिश्रा जी। ये बताइए कि वार्ड संख्या 26 से आपकी माताजी नामांकन कर रही हैं, कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है इस तरह? और जी देखिए, पूरा भरपूर समर्थन है और समरस समाज का समर्थन है। जी जी, पूरे समाज का समर्थन है और हमें ये विश्वास है कि मेरी माता जी वार्ड नंबर 26 की जो सम्मानित जनता है ये भरपूर मतों से विजयी बनाएगी। क्या सोचा है आप लोगों ने, जनता ने अगर मौका दे दिया, वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं, कैसे क्या कुछ सोचा है, इन समस्याओं को कैसे लोगों से निजात? सबसे पहला जो प्राथमिकता है पचमंदिरा का जो मंदिर है उसका, घाट का और पचमंदिरा पोखरा का सौंदर्यीकरण का। उसके बाद से यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे जैसे निराला नगर हो गया, आनंद नगर हो गया और पचमंदिरा में शांति नगर के तरफ सड़क और नाली का थोड़ा समस्या है। ये जो बरसात का आता है तो रोड पे पानी आ जाता है, लोगों को आने जाने में कठिनाई होता है। तो मेरा ये प्राथमिकता है कि सबसे पहले नाली और सड़क का ये सही ढंग से इसका निर्माण हो। आपके वार्ड में भी बहुत सारे पुराने चेहरे हैं, एक बार फिर से वो सामने आए, हालांकि क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ जनता भी जानती है, क्या आपको लग रहा है कि अब नया चेहरा लाने के लिए जनता एकदम उत्सुक है या फिर क्या करेगी? निराला नगर का चाहे आनंद नगर या शांति नगर, वार्ड नंबर 26 की जो जनता है ना बहुत समझदार है और पढ़े लिखे लोग यहाँ पे, तो वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें किस प्रत्याशी को चुनना है और वो हमेशा सही प्रत्याशी का चुनाव करती है। और विगत जो थे अब उनके बारे में हम कुछ नहीं बोले। क्या कहना चाहेंगे वार्ड संख्या 26 की जनता से, क्या कुछ अपील होगी शांति मिश्रा जी के लिए? हम यही बोलेंगे ये वार्ड नंबर 26 की जो जनता है, जो सम्मानित जनता है, वो विकास के लिए मेरी माता श्रीमती शांति मिश्रा को भरपूर अपना सहयोग करें, मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बिल्कुल, आपने देखा गोलू जी हैं, गोलू मिश्रा और शांति मिश्रा इनकी माता हैं। अब बहुत सारी महिलाएं हैं, महिलाएं इनके साथ हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ और शांति मिश्रा, ये लोग एक सामाजिक इन लोगों का परिवार रहा है शुरू से, ये लोग समाज के लिए कभी भी खड़े रहे हैं और शांति मिश्रा जी को लेकर के आए हैं। कई महिलाएं हैं, इनसे थोड़ा सा बात करेंगे। शांति जी के लिए आप लोग लगातार घूम रही हैं, वोट मांग रही हैं, क्या कहेंगे, क्या कहेंगी शांति मिश्रा के लिए आप लोग लगातार मैं निकली हूँ शांति मिश्रा जी के साथ जनता से वोट मांगने के लिए कि मेरे वार्ड का 26 वार्ड का विकास हो और सभी लोग जनता सुरक्षित रहे। आप बताइए क्या कहेंगे शांति मिश्रा जी, जो गोलू जी की माँ है, अब चुनावी मैदान में है, जनता क्यों चुने, कितना विश्वास है इन लोगों पर?
एक्चुअली हम लोग शुरू से हमारा घर ही इसमें रहा हुआ है और हमेशा से हम लोग विकास ही किए हैं। तो हमारा इस बार का भी मुद्दा है कि जो भी हमारे नाला का दिक्कत हुआ या फिर रोड वोड का, वो हमारे मोहल्ले के लोग को ना हो, यही मुद्दा लेके हम लोग लड़ रहे। तो उम्मीद है कि जनता इनको चुन करके लेकर के आई और ये विकास करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर। आप बताइए क्या करना चाहते हैं? अरे वार्ड नंबर 26 का जो भी मैंने विकास नहीं हुआ है, उस विकास के लिए हम लोग सभी मतदाताओं से अपील करेंगे कि हमें वोट दें और जितना काम अधूरा है उसको हम लोग पूरा करेंगे। चलिए, शांति मिश्रा जी के लिए ये लोग निकले हुए हैं और आगे चलिए आपसे ही बात करेंगे। तो ये स्थिति है क्योंकि नगर परिषद का जो चुनाव है वो बिल्कुल, वो दिन प्रतिदिन उसकी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज होती जा रही है, नामांकन का दौर चल रहा है और ऐसे में शांति मिश्रा आज नामांकन करने के लिए जा रही हैं। और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे बताइए, क्या कहना चाहते हैं शांति मिश्रा जी के लिए? शांति मिश्रा नामांकन के लिए निकल चुकी है। शांति मिश्रा एक बहुत अच्छे परिवार की महिला हैं और इनके घर के लोग हरदम जुझारू रहे हैं और हम लोग इनके साथ हैं। जो भी हो हम लोग दिल से मतदान करेंगे और विजयी होंगी। उम्मीदवार बहुत सारे हैं, शांति मिश्रा को ही आप लोग सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? शांति मिश्रा एक बहुत सुजल और अच्छे परिवार की महिला हैं, बता चुके हैं, और ये लोग बहुत जुझारू रूप से रहे हैं, इसलिए हम लोग इनको तन मन धन से सारा चीज़ से सहयोग करके इनको है कि शांति जी अगर आएंगी चुन करके तो ये अपने वार्ड का विकास करेंगी। जी जरूर करेंगी। बताइए क्या कहना चाहते हैं शांति मिश्रा जी के लिए? शांति मिश्रा जी के बारे में कहना है कि इनका परिवार शुरू से ही सक्रिय रहा है, ये लोग समाज सेवा में बहुत सक्रिय रहते हैं, कभी भी 12 बजे रात को भी अगर खबर कर दिया जाए तो ये लोग पहुंचते हैं वहाँ, जिसके लिए जो सहायता हो, समाज के लिए कभी भी ये लोग खड़े कभी भी खड़े रहते हैं, उसी आधार पर हम लोग इनका भरपूर समर्थन कर रहे हैं और समर्थन मिल भी रहा है, एकदम मिल रहा है। हम चलेंगे पंचमिंद्रा मंदिर के पास, इनकी माता पहुंच चुकी हैं और यहां से भगवान का आशीर्वाद ले रही हैं। कैमरामैन से चाहेंगे कि उस तस्वीर को चल करके दिखाएं कि शांति मिश्रा जो है यहां पे मंदिर पहुंच करके और आशीर्वाद ले रही हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रही हैं। जाहिर सी बात है कि नामांकन का वक्त है और आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से ही आशीर्वाद लेकर के और कोई कार्य किया जा सकता है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कई महिलाओं के साथ शांति मिश्रा जी हैं। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि आगे की तरफ जाएं और वहाँ से दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे श्री राम लाल राम के मंदिर में पहुँच कर और वहाँ पर आशीर्वाद ले रही हैं शांति मिश्रा। तो ये स्थिति है यहाँ वार्ड संख्या जो 26 है, गोलू मिश्रा की माता जी हैं शांति मिश्रा, जो कि चुनावी मैदान में हैं, वार्ड पार्षद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। हम अब शांति मिश्रा जी से भी बात करेंगे बाहर जब आएंगी। तो ये स्थिति है, ये आलम है, लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है शांति मिश्रा को। और जैसा कि लगातार हम आपको कवरेज भी दिखा रहे हैं, वार्ड से संबंधित जितना भी शहरी क्षेत्र से या फिर तमाम अलग अलग जगहों से हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वार्ड को लेकर के या नगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को लेकर के चुनाव चल रहा है। तो ये तस्वीरें हैं और शांति जी अब यहाँ से मंदिर से निकल रही हैं, अब नामांकन के लिए निकलेंगी और SDO कार्यालय में जाएंगे और वहाँ पर नामांकन पर्चा आज दाखिल करेंगी। बहुत सारे समाज के ऐसे तबके हैं जिनका इनको साथ मिल रहा है और गोलू मिश्रा का चेहरा है, गोलू मिश्रा लगातार जो है वो समाज के लिए काम करते रहे हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे कि पीछे की तरफ आएँ और बात करें, क्या कहना चाहेंगे ये बताइए, शांति मिश्रा चुनावी मैदान में है, क्या कहना चाहेंगे? कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आए हुए हैं, कैसे लोगों का चयन होना चाहिए ये बताइए? शांति मिश्रा चुनाव लड़ रही हैं, अच्छे परिवार के आती हैं और उनका व्यवहार भी अच्छा रहा है, तो हमारी सोच यह है कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए और नई नई सोच जो है कि लोगों में आ रहा है, तो एक ही आदमी के जो है कि ये पुश्तैनी बदलाव होते रहेगा, नया चेहरा आते रहेगा तो काम भी आगे बढ़ेगा। जी अपना नाम बता दीजिए। रमेश प्रसाद। चलिए रमेश जी, आप बताइए क्या कहेंगे शांति मिश्रा जी अब नामांकन करने के लिए? मेरे निर्वाचन क्षेत्र के हैं, उनको जिताना जरूरी है। उम्मीदवार तो बहुत सारे हैं, सभी लोग आएंगे वोट मांगने के लिए, लेकिन शांति मिश्रा ही क्यों? वही मेरा प्रेमी है, वही है, उनसे उम्मीद है कि काम करेंगी वार्ड में विकास करेंगे। चलिए अपना नाम बता दीजिए। ललन जी हैं। अब यहाँ पे शांति मिश्रा जी खुद यहाँ पे मौजूद हैं, ये बताइए कि आपने भगवान से आशीर्वाद ले लिया और अब जा रही है नामांकन करने के लिए, कैसा लग रहा है? तमाम लोगों का समर्थन प्राप्त है और आप चुनावी मैदान में हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और इन लोगों से काफ़ी उम्मीद भी है।
उम्मीद भी है। उम्मीद भी है। आपके पुत्र जो हैं गोलू मिश्रा, ये लगातार समाज के लिए बने रहते हैं, हम लोग भी लगातार देखते हैं, तो क्या उसका सीधा सीधा आपको फायदा इस बार मिलने जा रहा है? हाँ हाँ, एकदम मिल रहा है बहुत। तो क्या अपील करेंगी आप अपने वार्ड संख्या 26 की सम्मानित जनता से? जी, उम्मीद है इन लोगों से, काफी सपोर्ट में है इन लोग, सपोर्ट में है। हाँ जी। और क्या सोची हैं आपकी, अगर जनता मौका देती है तो वार्ड के लिए क्या कुछ करेंगी? बहुत कुछ करूंगी, जो काम अधूरा है वो सब पूरा होगा, सब काम करेंगी। हाँ करेंगे। चलिए बहुत अच्छा, जो काम अधूरा है उन सभी कार्यों को पूरा करेंगी शांति मिश्रा। ये बहुत बड़ी बात है कि अब देखना यह होगा कि आने वाले 20 अक्टूबर को शांति मिश्रा, जो गोलू मिश्रा की माँ है, किस तरीके से लोग आशीर्वाद देते हैं और क्या कुछ करते हैं, तो खैराने वाला व्यक्ति बताएगा हमारे सहयोग। क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि इनको समाज सेवा, इनके पति ने जो किया विजय कुमार मिश्रा ने, इसका लाभ उनको मिलेगा। बहुत उनकी छवि जो थी इनके पति की, बहुत साफ सुथरी छवि थी और बहुत पॉपुलर नेता थे। अब ये नहीं है, इसका लाभ इनको मिलेगा। इनसे आशा है कि अपने पति के लीक पर चलने की कोशिश करेंगी, सबको देखकर सबको मिला जुला कर चलाएंगी, न्याय करेंगी। चलिए धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाहेंगे, शांति मिश्रा आज नामांकन करने जा रही हैं? ना, ये हम लोगों की कैंडिडेट हैं और ये जीतने वाली कैंडिडेट है, हम लोग इसके वोटर हैं, इसके साथ हैं। साथ है? हाँ। मतलब कि आपको विश्वास है कि ये काम करेंगी? हाँ हाँ, काम करेंगी। आप बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं, शांति मिश्रा आज नामांकन करने जा रही हैं, बहुत सारे उम्मीदवार आएंगे, आप लोगों ने तो काफ़ी करीब से देखा भी है। ये लोकतंत्र में जो सबका हक है, लोग खड़े हो रहे हैं, जिनकी सेवा जैसी होगी उसका लाभ मिलेगा। विजय मिश्र जी बहुत पहले रहे हुए हैं इनके पति और वो बड़े लोकप्रिय रहे हुए हैं, उनका ये अनुभव लाभ परिवार के पास जो है, इसका फायदा समाज को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आप बताइए, ये शांति मिश्रा एकदम जीतेंगी, अच्छी प्रत्याशी हैं। विजय मिश्रा से हम लोगों को बहुत लगाव था, मिलजुल कर रहते हैं लोग, ये वार्ड का विकास करेंगी, सब परिवार मिलजुल कर रहता है, एकदम भगवान करें जीते। तमा, फेफड़ा, कैंसर, टीबी आदि से है परेशान, तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आँखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। सबसे बेहतर, सबसे सस्ता, फुली डेकोरेशंस के साथ होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, फुली एयर कंडीशन होटल, पार्किंग फैसिलिटी, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था। करनी हो शादी विवाह, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या अन्य किसी भी अवसरों पर बुकिंग, तो आज ही चले होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, सिसवन ढाला, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर 8797327330, 9801070786। NX पावर इन्वर्टर सोलर ई रिक्शा बैटरी की बेताज बादशाह, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, OPD, NICU, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, LED, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान।
पेट छाती मधुमेह एवं हृदय रोग से हैं परेशान तो शांति हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर बी कुमार करेंगे समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। याद रखें, डॉक्टर बी कुमार शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड के 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। मोबाइल नंबर 8757309680 और 9162673618। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहां पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग-अलग अखामती इंतज़ाम के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर